हाँ तो नमस्कार जी, इस वीडियो में हम लोग फाइनली तीसरा विधि तुलनात्मक विधि हम लोग सीखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दो विधि में बता चुका हूँ, और आज हम तीसरा विधि बताने वाले हैं। और कोई भी दो समीकरण दिया रहे, हम उन दो समीकरणों को पांच तरीके से हल कर सकते हैं, और पांच तरीके से हम लोग हल करके एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। और दोस्तों जो आपका पांच तरीका होता है उसमें से चार तरीका आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि आपको पांच विधि पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से आज हम तीसरा विधि पढ़ लेंगे। तो दो विधि और बचेगा, उस विधि को हम बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे मैथ में कमजोर है या फिर अपने आप में मैथ को कमजोरी महसूस करते हैं, तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ ना, 3x + 4y = 10 और x - y = 1, इसी क्वेश्चन को मैं विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल किया था, तो x का मान 2 और y का मान 1 मिला था। तो आज हम तुलनात्मक विधि से हल करके देखेंगे कि x का मान 2 और y का मान 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और आप लोग अच्छे से समझते जाओ। इसका पीडीएफ मैं पैड ग्रुप में भेज दूंगा ऑलरेडी, ठीक है। तो बाबू देखो इसको कैसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखना, आपको ये तुलनात्मक विधि से हल करना है, ठीक है। तो तुलनात्मक विधि से हल करने के लिए आप थोड़ा सा पीछे जाइएगा प्रतिस्थापन विधि में। प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण एक से लेते थे और उसमें से एक से वाई का मान निकालते थे, तो ठीक है दोस्तों वैसे ही दोस्तों यहाँ पर भी करें। यहाँ पर दो समीकरण है, आप सबसे पहले समीकरण एक लिखिएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या लिखिएगा, सबसे पहले बाबू आप लिखिएगा यहाँ पर समीकरण एक से, क्या किससे, तो समीकरण एक से। अब बताओ कि समीकरण एक आपका क्या है, तो समीकरण एक से मैंने लिखा, और समीकरण एक क्या है मेरा, 3x है, 3x प्लस में 4y है और बराबर में 10 है। अब दोस्तों जब मैंने समीकरण एक से लिख दिया, ये तुलनात्मक विधि है, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोगों को यहाँ से x या फिर y का मान निकालना है। अब वो दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से x का मान निकालते हो या फिर y का मान निकालते हो। अगर दोस्तों आपको मन करता है तो x का मान निकालो, अगर मन करता है तो y का मान निकालो। चलो मैं यहाँ से y का मान निकाल लेता हूँ, अगर आपको मन करता है तो आप x का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से y का मान निकालता हूँ, तो पहले इस 4x को इधर लाएंगे। ये जो 4x है, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो आपका 4x दिया है इसको इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा और बराबर में 10, और ये 3 उधर जाएगा तो माइनस में 3x हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इधर है तो प्लस में है, जब वो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब हमको y का मान निकालना है, 4y का नहीं, y का। तो हम क्या करते हैं, इस 4 को लीजिए अगर बाटा में कर दो, तो y बराबर बाबू क्या हो जाएगा, y बराबर 10 - 3x और ये 4 आपका बाटा में आ जाएगा, 4 आपका बाटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये समीकरण एक था और ये दो था, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। तो जैसे दोस्तों मैंने समीकरण एक से किया, वैसे ही दोस्तों एकदम हूबहू आप लोग समीकरण दो से करो। क्या करो, आप लोग समीकरण दो से करो। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बाबू, यहाँ पर ध्यान से देखना, अब मैं लिखता हूँ समीकरण दो से, किससे लिखता हूँ, समीकरण दो से। तो मैंने यहाँ पर लिखा समीकरण दो से, समीकरण दो से। तो समीकरण दो क्या है जी, तो समीकरण दो है x - y = 1। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि बाबू मैंने तो यहाँ पर समीकरण एक से लिखा और y का मान निकाल लिया, तो याद रखना जो आप समीकरण एक से मान निकालेंगे जिस चीज का, उसी चीज का आपको समीकरण दो में भी मान निकालना है। मतलब समझते हो, अगर मैं समीकरण एक में y का मान निकाला तो आप लोगों को समीकरण दो से y का ही मान निकालना है। ये नहीं कि इसमें y का मान निकाल लेते हैं और इसमें हमको मन करता है तो x का मान निकाल लेते हैं, नहीं। आप दोनों को या तो x का मान निकालिए दोनों में से, या तो दोनों में से y का मान निकालिए। तो यहाँ पर y का मान निकाले हैं तो आपको यहाँ पर भी y का ही मान निकालना होगा। अगर y देखो मैं यहाँ पर x का मान निकालता तो आप लोग भी इधर x का ही मान निकालते, ठीक है। तो यहाँ से y का मान कैसे निकालेंगे, देखो बाबू कैसे निकालेंगे, तो ये आपका माइनस वाई इधर ही रह जाएगा, ठीक है, और ये बराबर 1 और ये x उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर माइनस वाई है, हमको माइनस को नपाता कर देना, यानी कि उसको उड़ा देना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस जब हटाएंगे ना तो माइनस उधर चला जाएगा, अब उधर जाएगा तो उसमें गुणा हो जाएगा, तो आप इसको केवल पलट दो, इस माइनस को हटाओगे ना, देखो ये माइनस हटा नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये 1 - x ब्रैकेट हो जाएगा और यहाँ पर आकर माइनस शिफ्ट हो जाएगा, इधर से हटा तो उधर चल जाएगा,
एक ही ओर तो रहेगा ही ना, इधर से अगर हटाओगे तो उधर जाएगा, उधर से हटाओगे तो इधर आएगा। अब क्या करो वाई बराबर गुणा कर लो माइनस वन और माइनस माइनस प्लस एक्स। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर एक्स को पहले लिख लो फिर माइनस में वन लिख लो, ठीक है। अब इसको आप नाम दे दो समीकरण नंबर फोर, इसको हम समीकरण नंबर फोर नाम देते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझ में आएगा, कौन सा बात समझ में आने वाली है यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा। देखो समीकरण एक में y बराबर 10 माइनस 3x बटे 4 निकाला समीकरण एक से, और समीकरण दो से मैंने y बराबर x माइनस 1 निकाला। अब दोस्तों इन दोनों को आपको हल करना है, लेकर इन दोनों को आप लोगों को लेकर हल करना है। तो हल करिएगा तो देखो इधर वाई कट कर खत्म हो जाएगा, और ये बराबर बच जाएगा। यानी कि दोस्तों ये आपका किसका काम करेगा, ध्यान रखो, ये देखो ये y जो है वो LHS का काम करेगा और ये आपका RHS का काम करेगा, ठीक है, RHS का काम करेगा, और इधर भी ये आपका LHS का काम करेगा और ये आपका RHS का काम करेगा, RHS का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको समझने वाली बात है, RHS तो दोनों ओर अलग अलग है, इसमें RHS अलग है, इसमें RHS अलग है, लेकिन इसमें LHS जो है वही LHS यहाँ पर भी है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों आपस में कट जाएगा। ये मैंने समझाने के लिए आपको दिया, आप लोग ऐसे मत लिखना बाबू, ठीक है, मैंने आप लोगों को केवल समझाने के लिए ये सब लिखा, समझ रहे हो। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग भी लिख दोगे, आप लोग मत लिखना प्लीज, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। देखो यहां से इसको मैं गायब कर देता हूं, ठीक है, यहां से मैं इसको गायब कर देता हूं, ठीक है। अब आपको एक काम करना है, अब आपको किसको किसको लेकर हल करना है, तो आप लोगों को समीकरण तीन और चार को लेकर हल करना है, तीन और चार को लेकर हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, तो यहां पर आप लोग लिखना, अब यहां पर आप लोग लिखना, ठीक है, यहां पर जगह मैं यहां पर हल कर देता हूं, ठीक है। तो समीकरण हम लिखते हैं समीकरण तीन और चार को हल करने पर, यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं समीकरण तीन और चार को हल करने पर, ठीक है, समीकरण तीन और चार को हल करने पर, चार को हल करने पर, क्या जी, हल करने पर, वेरी गुड। तो देखो समीकरण तीन क्या है, समीकरण तीन में दोस्तों y बराबर x माइनस वन है, तो ये y और ये y, ये तो दोनों कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये दोनों कट जाएगा। ध्यान से देखो यहाँ पर आपका ये y और ये y आपका कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, कट जाएगा तो हमारा बचेगा समीकरण तीन में बचेगा x माइनस वन बचेगा, और बराबर में यहाँ पर क्या बचेगा, 10 माइनस 3x बटे आपका 3 बचेगा, यही है ना बाबू, हाँ सॉरी 4 बचेगा, बटा में 4 है ना, 4 है। अब इसको हल करो, देखो इसमें y नहीं है केवल x है, तो केवल x है तो हम आसानी से यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं, ये तो पांचवी छवीं क्लास का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इसको तिरछा तिरछी गुणा करो, तो यहाँ पर अगर 4 में x में गुणा करोगे तो 4x मिल जाएगा, 4 में माइनस एक्स से गुणा करोगे 4 मिल जाएगा, बराबर में आपका क्या हो जाएगा, बराबर में आपका 10 माइनस 3x बन जाएगा। अब ये आपका 4x हो गया, ये माइनस में प्लस, माइनस में उधर है 3x है, अगर उधर इसको इधर लाओगे तो वो प्लस में 3x हो जाएगा, और बराबर में ये आपका 10 हो जाएगा, और ये प्लस उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 3 तो 7x हो जाएगा, बराबर 10 4 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x बराबर हम क्या करते हैं, 14 ऊपर कर देते हैं और 7 नीचे कर देते हैं, क्या ये 2 से कट जाएगा दो बार में, तो बोलेंगे हाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए x बराबर 2। तो ध्यान से देखो यहाँ पर x का मान 2 मिला है कि नहीं मिला है, आप किसी भी विधि से बनाओ आपका मान तो सेम ही मिलेगा, इसलिए एग्जामिनर आपको कोई ना कोई विधि दे देता है और बोलता है कि आप इसी विधि से हल करो, ठीक है, तो आपको उसी विधि से हल करना होगा। एक्चुअली में आप किसी भी विधि से हल करके मान निकाल सकते हैं, लेकिन देता है कि ताकि आपको पता है कि नहीं वो विधि, ठीक है। तो अब मैंने x का मान निकाल लिया, अब दोस्तों आपको मन करता है तो समीकरण तीन में x का मान रखकर y का मान निकाल लो, और मन करता है तो समीकरण चार में x का मान रखकर निकालो। तो देखो इसमें रखोगे तो ज़्यादा लंबा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसमें रखोगे तो फटाक से आ जाएगा, ठीक है, इसमें रखोगे तो फटाक से आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, और इसके जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, समीकरण चार में x का मान रखने पर, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ समीकरण चार से, क्या लिखते हैं देता हूँ बाबू, समीकरण चार से मैं लिख देता हूँ, समझ जाएगा एग्जामिनर, ठीक है, समीकरण चार से। तो चार में दोस्तों y है, y बराबर x माइनस
x माइनस वन, तो x का मान दो है और माइनस में वन है, तो क्या हो जाएगा y बराबर दो में से एक को घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, एक मिल जाएगा। तो हमारा मान मिल गया, देख लो यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देख लो और सभी लोग अच्छे से इसको उतार लेना कॉपी पर, ठीक है। और ये मैं पैड ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ध्यान से देख लो, आप लोगों के सामने है x का मान दो, y का मान एक, और यहाँ पर भी देख लो, ठीक है। अब बताओ किस लोगों को दिक्कत है, किसको परेशानी है। आज तो क्लास आप लोगों का नहीं चल पाएगा क्योंकि ऑलरेडी मेरे को कहीं बुलावा है और मेरे को कहीं जाना है, तो ज़्यादा रात हो जाएगा। तो कल हम लोग प्रश्नावली 3.3 को समाप्त करेंगे और साथ में दोस्तों कल हम लोग पढ़ेंगे समास क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और उन समास को हम कैसे पहचानेंगे। बहुत लड़के क्या करते हैं, समास रटते हैं। अगर किसी व्यक्ति से पूछ दूँ कि बताओ यथाशक्ति, प्रतिदिन, माता पिता, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, इन सब में समास कौन है, और तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे। जो रटे होंगे वो बता देंगे, लेकिन जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, उस ट्रिक से समझना बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे, ठीक है। और जिसको भी पैड ग्रुप में जुड़ना है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप लोग जुड़ जाना। देखो पैड ग्रुप में जुड़ने के लिए 299 रुपये लगता है, आपको पता ही होगा, ठीक है, 299 रुपये लगता है और पूरे एक साल के लिए, ठीक है। तो जिसको भी जुड़ना होगा ये नंबर ले लो, 9693779407। इस नंबर पर मैं WhatsApp चलाता हूँ, आप WhatsApp पर कमेंट कर देना कि सर हमको पैड ग्रुप में जुड़ना है, मैं आपको पैड ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक मैं आपको नहीं जोड़ पाऊंगा, ठीक है। तो पेमेंट करके जुड़ जाना, उस पैड ग्रुप में आपको सब मिलेगा, सबका कोर्स मिलेगा, मैथ का एक्स्ट्रा क्लास मिलेगा, डेली टेस्ट मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगा सुविधा, ठीक है। तो जितने भी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाना और इसको अच्छे से समझ लेना बाबू, ठीक है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, ठीक है।